अगर जब भी हो जाओ तो खूब अच्छी तरह बाकी हासिल करो, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में या कोई तुम में पखाने से आए या तुमने अपनी बीवियों से जमा किया हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी का कसद करो और अपने मुंह और हाथ पर इसे मिल लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर तंगी करे, लेकिन चाहता है कि तुमको पाक करे और पूरा करे अपनी नेमत को तुम पर, ताकि तुम इसका शुक्र करो। और अल्लाह का दूसरा फरमान के ऐ ईमान वालों, नज़दीक ना जाओ नमाज के जिस वक़्त के तुम नशे में हो, यहाँ तक के समझने लगो जो कहते हो, और ना उस वक़्त के गुस्ल की हाजत हो, मगर हालत सफ़र में यहाँ तक के गुस्ल कर लो। और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में, या आए तुम में से कोई कज़ाए हाजत से, या तुम पास गए हो औरतों के फिर ना पाओ तुम पानी, तो अरादा करो पाक मिट्टी का, पास मिलो अपने मुंह को और हाथों को। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। सही बुखारी अल हदीस